हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या हस्तक शिवी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7 किया था, तो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी फाइन। देखिए, आपको ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी दे रखी है, आपको इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये वाली आइडेंटिटी आपको मैंने बहुत बार बताया है कैसे यूज़ होती है, तो चलिए इसमें भी यूज़ करेंगे वैसे ही। तो ये देखिए, आपका ये फॉर्म है और इसकी आइडेंटिटी ये रही, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे इसको। तो इसको करें तो क्या आएगा, ये पहले एक्सपेंड करें तो इसको हम इज इक्वल टू क्या से तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 3 करके, ठीक, ये हो गया। और ये 100 प्लस 4। अब इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, इस वाली आइडेंटिटी में क्या होता है, ठीक है, जो इसके जो दोनों ये फर्स्ट टर्म होते हैं वो सेम होते हैं और जो सेकंड टर्म होता है वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे x प्लस एक्स सेम है और ये a और b अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो बाइनोमियल होते हैं और दोनों बाइनोमियल के फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट में पहला टर्म सेम होता है और सेकेंड टर्म जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी से आप करेंगे, अब ये हमने इसको तोड़ लिया है। अब ये देखिए, हमारा दोनों जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म है वो सेम है और जो सेकंड सेकंड टर्म है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा ये बन गया है, अब हमें ये इस तरह से करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले 100 का स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये आपका 100 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस है तो प्लस, उसके बाद बोला है ए प्लस बी, तो ये मेरा ए है और ये बी है, ठीक है। अब इसमें ये ए है और ये बी है, इसको करेंगे हम 3 प्लस 4, ठीक। अब ये देखिए एक्स है तो इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है, 100 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं 100 को भी, ठीक है। अब बोला है हमारा प्लस ए बी, तो प्लस और ए बी को हम इनटू में कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 और ये 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करते हैं, 100 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 10,000, ठीक है, 10,000 आया, ये प्लस है तो प्लस। अब 3 में 4 प्लस करें तो 7 आया, और ये 100 है जो कि इससे इनटू में है, इसको इसी तरह लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक। अब ये यहाँ पे देखिए, ये प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों का इनटू करें तो क्या आ जाएगा, 3 4 12 12 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब ये 10,000 एज इट इज़ लिख लेंगे हम, अब ये प्लस है तो प्लस। और देखिए, अब 100 में 7 का इनटू करें तो 700 आया, और ये प्लस 12 है तो प्लस 12। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 10,712 ये आएगा ना। तो देखिए, हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की और ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, ठीक है। अब इसमें दिया है 5.1 × 5.2। अब इसका हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं, इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं, 5, ठीक है, 5 और ये प्लस और ये 0.1 कर देंगे हम, ये टूटा। अब ये 5.2 को कैसे तोड़ेंगे हम, इसी तरह से तोड़ लेंगे, ये 5 हो गया और ये प्लस 0.2, ठीक है, 0. ये हमारा, हमने इसको तोड़ लिया है। अब इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 5 का स्क्वायर हो गया ये, फिर प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन, फिर बोला है ए प्लस बी,
तो हमारा ए ये है और बी ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे अब हम 0.1 प्लस 0.2, ये ऐड हुआ। अब क्या बोला है, अब इसको बोला है इनटू, ठीक, एक्स इनटू, इनटू में ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है, अब बोला है प्लस ए बी, तो प्लस और ए की जगह क्या हो जाएगा आपका 5, सॉरी ए की जगह 0.1 होगा ना, 0.1, और बी की जगह क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करें तो 5 5 ज़ा 25, प्लस का प्लस, अब इन दोनों को ऐड करें 0.1 और 0.2, तो क्या होगा, देखिए साइड में 0.1 और 0.2, अब ये देखिए क्या हो गया आपका, ये 2 एक 3 हो गया है, ठीक है, और उसके बाद ये 0.3 आया आपका, प्लस करना था ना, तो 0.3 और ये इंटू 5, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे हम दोनों को। अब बोला है प्लस, तो प्लस, अब इन दोनों का इंटू करें तो क्या आएगा, तो यहाँ देखिए 0.1 को 0.2 से इंटू करें तो, ठीक है, तो 2 बन जाए, तो 2 आ गया है सबसे पहले यहाँ पे, 2 बन जाए 2 आया है, ठीक, यहाँ इसको छोड़िए, इधर देखिए 2 बन जाए 2 आया, और फिर ये देखिए 2 डिजिट है, तो यहाँ 10 लगा के और यहाँ 10 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको 25 एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस का साइन है तो प्लस, अब इसमें इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो यहाँ हम देखें 5 3 जब पहले क्या हो गया है 15 हो गया है, अब यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, अब ये क्या है प्लस 0.02, अब इन दोनों को तीनों को प्लस करेंगे हम, तो देखिए यहाँ प्लस कर लेते हैं हम, पहले क्या है 25, फिर है आपका 1.5, तो 1 और पॉइंट यहाँ 5 हो जाएगा, फिर है आपका 0.02, तो यहाँ 0 और यहाँ 0.2, क्या आ जाएगा, ये आपका 2 का 2, 5 का 5, ये 6 और ये 2, अब बीच में डेसिमल लगाया है, तो 26.52 आपका आंसर आ गया, ठीक, इसमें बस इतना करना था। अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले पार्ट पे, थर्ड वाले पार्ट क्या है, देखिए 100 इंटू 98, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ लेते हैं, इसको ये आपका हो जाएगा 100 प्लस प्लस 3, और यहाँ देखिए यहाँ पे अब हम इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे 100 माइनस 2, हमने तोड़ लिया है, अब वही वाली आइडेंटिटी की हेल्प से करेंगे अब हम, पहले क्या बोला था स्क्वायर, तो किसका करेंगे हम 100 का स्क्वायर करेंगे, ठीक 100 का स्क्वायर किया, अब प्लस है तो प्लस, प्लस किया, उसके बाद क्या करना था हमें ए प्लस बी, तो ये ए और ये बी इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 3 और ये माइनस 2 है, अब यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो हम माइनस ही लगाएंगे, ठीक है माइनस 2, अब क्या है बोला था 100 को इंटू में कर लेंगे यहाँ पे अब, ठीक है आप इसको देखते रहिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है, ठीक है यहाँ पे आप देखते रहिएगा। अब उसके बाद है प्लस, ठीक है प्लस के बाद क्या बोला है, अब ए और बी को इंटू में रखना है, तो अब यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू में माइनस 2 हो जाएगा, अगर आपके माइनस है तो आप ज़रूर माइनस का साइन लगाइएगा, ठीक है अब यहाँ देखिए प्लस था तो हमने प्लस ही लगाया है, अब यहाँ पे हम लोग को माइनस करना पड़ा इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, ठीक है तो अब आते हैं हम इसको, अब 100 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 10,000 ही आएगा, ठीक 10,000 आया, अब ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखिए 3 में 2 माइनस किया तो 1 आया, और ये 100 क्या हो गया इसके इंटू में है, अब ये प्लस है तो प्लस, ठीक है सॉरी पहले इसको करें, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो पहले तो 3 2 6 आया, साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है ये हो गया। अब आते हैं हम इस पर, अब ये 10,000 एज इट इज़ लिख लेंगे हम, अब ये प्लस है तो प्लस, अब 100 बन जा
100 ही आएगा। अब ये माइनस 6, अब क्या करना होगा हमें, सबसे पहले ऐड करना होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 10,000 में 100 माइनस प्लस करें तो 10,000, फिर इसके बाद 10,100, फिर ये माइनस 6, माइनस करें तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, पहले तो यहाँ पे माइनस करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 10,000 में 100 माइनस करेंगे, ठीक है, 10 में से 6 क्या 4 आया, फिर यहाँ 9 का 9 आया, ठीक है, ये आया, इसके बाद ये 1 यहीं पे है, क्या आ जाएगा ये 9100, ठीक है, क्या आ जाएगा 10094, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना था। अब आगे चलते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट पे। अब फोर्थ वाला पार्ट है आपका डेसिमल में, अब इसको करते हैं 9.7 × 9.8। अब इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं हम, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे माइनस करके, ठीक है, जैसे 10 माइनस 0.3, ठीक है, फिर इसको करें तो एक्सपेंड क्या हो जाएगा, ये आपका 10 माइनस 0.2, हमने एक्सपेंड कर लिया। अब वही आइडेंटिटी लगाएंगे और फिर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस, अब ये 0. माइनस 0.3 और माइनस 0.2, ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 10 यहाँ इंटू में हो गया, अब ये प्लस का साइन लगेगा, उसके बाद 0.3, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा लीजिएगा, और यहाँ पे माइनस 0.2। अब करते हैं सॉल्व, 10 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 100, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.5 आ गया, और ये माइनस का साइन, ठीक, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये 10 इंटू में तो इंटू में, फिर ये देखिए, अब यहाँ देखिएगा, अब ये आपका, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए 3 × 2 जो क्या हो गया आपका 6। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है, तो यहाँ हम 0 लगाएंगे तभी तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक, तो हमने 0.06 कर लिया। अब यहाँ करते हैं, ठीक है, तो अब ये 100 है तो 100, अब क्या लिखेंगे, अब 10 × 5 जो क्या हो गया आपका 50 हो गया, ठीक है, अब ये 10 से 0.5 करें, 10 × 5 जो आपका 50 हुआ। अब यहाँ बोला एक डिजिट के पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो क्या आएगा आपका, केवल केवल आपका यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है, देखिए प्लस और माइनस माइनस आ गया। अब आता है आपका प्लस 0.06, ठीक। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों जो प्लस के हैं इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 100.06, यही आएगा ना, और उसके बाद ये माइनस 5, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ये 10 में, अब देखिए 100.06 और ये 5, ठीक है, 5 आप यहाँ नहीं लिखिएगा, 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया था माइनस करने के यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नहीं। अब यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ हम लगाएंगे, अब ये 6 का 6, 0 का 0, 10 में से 5 किया तो क्या आ जाएगा आपका 5 आया, और यहाँ क्या बचा 9 आया, और ये बीच में डॉट, क्या आ जाएगा 95.06 आंसर आ गया। अब ये हमारा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।